एक मौजूद मेहमान मौजूद है जिनका नाम है शहरयार अहमद। तो आप वैसे क्या रिकमेंड करेंगे कि भाई बच्चे पहले इंटर्नशिप करें या जो है ना पहले अपनी डिग्री मुकम्मल करें फिर इंटर्नशिप करें? 5 या 6 सेमेस्टर्स में होते हैं तो आपको चाहिए कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाकर आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आपका जो है ये एक साल गुजरा है कैसे गुजरा है, कौन कौन से स्ट्रगल आती है? मेरे लिए थोड़ी आसानी थी तो मैं पहले से एक माइंड सेट के साथ आया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना एक तो नाम बता दीजिएगा और दूसरा आप यहाँ पे डेजिग्नेशन बता दीजिएगा कि आप किस फील्ड पर काम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान खान है और मैं यहाँ पे मर्नस ट्रैक पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एज ए टीम लीडर काम कर रहा हूँ। मर्नस ट्रैक पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस हो गया? मेरे पास 1+ ईयर का एक्सपीरियंस है। अच्छा, गाइड कर दें, इन्फॉर्मेशन दे दें, आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दें। आपका जो है ये एक साल गुजरा है कैसे गुजरा है, कौन कौन से स्ट्रगल आती हैं, क्या इंसान को जो है ना इसमें मेहनत करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, तो इस हवाले से आप एक ब्रीफ गाइड दे दें ताकि जो है ना हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मेरा जो ताल्लुक था वो तो मैंने जो जितने भी एजुकेशन मैंने किया वो मेरी IT से ही रेलिवेंट थी। मैंने पहले DE किया था IT में जो कि 3 ईयर्स का था और इसके अलावा फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में। और अगर जो भी स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं इसी IT की फील्ड से, लाइक जो IT कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है और इस फील्ड में आना चाहते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन में आना चाहते हैं या मर्नस ट्रैक की तरफ आना चाहते हैं, तो मैं पहले उनसे कहूँगा कि वो फ्रंट एंड की तरफ से अपना स्टार्ट ले बेसिक से, लाइक HTML, CSS या JavaScript को बहुत ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जितनी भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और इसके साथ जब वो मर्नस ट्रैक की तरफ आना चाहते हैं तो फिर उन्हें पहले React की तरफ आना चाहिए, React के साथ साथ फिर उन्हें बैक एंड की तरफ, नोट की तरफ और नोट के जो फ्रेमवर्क के Express.js के साथ साथ आपको डाटा बेस का आइडिया होना चाहिए। सो आपको इसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे पैशनेट के साथ करना पड़ेगा। ये टाइम टेकन है लेकिन फर्तसोन इंशाल्लाह अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे इसे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर दें उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में और उनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में पहुँच जाते हैं, उनको अपनी फील्ड चॉइस का नहीं पता चल रहा होता कि मैंने वेब में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, AI में जाना है, नेटवर्किंग में जाना है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इसका गाइड कर दें। ओके, जो इंटरेस्ट करता है ना, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मर्नस ट्रैक में आ रहे हैं या मीन स्टैक में आते हैं या फिर आप फ्लटर की तरफ जा रहे हैं या कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं। मैं स्पेशली कहूँगा जितने भी हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यही गाइडेंस हो कि जब आप अपने ऑलरेडी 5 या 6 सेमेस्टर्स में होते हैं तो आपको चाहिए कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाकर खुद को आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया हो सके कि उधर काम किस तरह किया जाता है और साथ साथ कि आपको रियल टाइम जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको उनके बारे में गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरह एक तरह एक इंडस्ट्री में काम हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह काम हो रहा है जो मतलब हाई लेवल पर काम किया जा रहा है। तो इसलिए आपके लिए नेसेसरी खास करके ग्रेजुएशन के लिए जितने भी हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब हमने भी स्टार्ट किया तो मेरा तो IT से था क्योंकि मैंने DE IT में की थी, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ी आसानी थी कि मैं पहले से एक माइंडसेट के साथ आया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं सबसे पहले वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करें अपनी तरफ से कि वो करना क्या चाह रहे हैं, ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। तो फिर वो अगर एज ए फ्लटर डेवलपर बनना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि उसकी तरफ उसके ट्यूटोरियल्स देखें। अगर वो ऐसे कहीं काम नहीं कर रहे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं कर रहे, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम नहीं कर रहे, तो उन्हें चाहिए कि वो खुद लर्निंग पर्पस को अपना बढ़ाएं, वो उसको टाइम दें, वो ज़रूर देखें। मल्टीपल्स है, YouTube है हमारे पास, बहुत सारे इंटरनेट पे ऑनलाइन रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, तो उन्हें वो देखना चाहिए। और जब वो उन अपने बेसिस को क्लियर कर लेते हैं ना तो जब वो इधर आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी आसानी होती है। मैं यहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुका हूँ जो कि मर्नस ट्रैक के हैं, तो वो मोस्ट जो जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे लाइक ग्रेजुएशन के बाद, उन लड़कों की तकरीबन स्टूडेंट्स की ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, लेकिन उनमें सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स मुझे मिलती है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस हर स्टूडेंट्स की इस बात की कोशिश होती है कि वो आकर कहीं मतलब किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके एक्सपीरियंस लेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ इससे पहले भी आपको खुद की प्रैक्टिस करना, खुद उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर कोई भी इंटरव्यू देने आ रहा है उसे उसकी फील्ड के बारे में पता तो हो वो किस लिए आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, किस में इंटरव्यू देना चाह रहा है, तो इसलिए पहले उसे उसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए ताकि उसके लिए भी आसानी हो उस चीज़ को समझने के लिए और वो आगे इस जगह पर आके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चल सके, अच्छे से चल सके। वरना इसको बड़ा टाइम टेकन लगना पड़ेगा क्योंकि शुरू से वो सब प्रिपेयर करेगा स्टार्ट से लेके। सो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा।
बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। मुझे उम्मीद है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो इन सब के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच। आपके ख्याल से जो हमारी समर की वेकेशन आती हैं, उसमें बच्चे को अपना टाइम ज़ाया करना चाहिए या उसमें इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए? यह तो सबसे अच्छी बात है कि समर के, अगर आप समर आता है तकरीबन 2 से 2.5 महीने का होता है, तो ये है कि अगर आप उसमें इंटर्नशिप शुरू कर लें तो सबसे बेस्ट है। तो समर में अगर कोई बच्चा इंटर्नशिप कर लेता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अपना टाइम वेस्ट करने से तो बेहतर यही है कि बंदा कोई स्किल सीख ले, क्योंकि स्किल पेज द बिल। तो अपना इंटरेस्ट अपना खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको ऐप डेवलपमेंट में, आपको वेब डेवलपमेंट में, या आपको गेम डेवलपमेंट में आप आना चाहते हैं, ये सबसे पहली चीज़ तो आपको ये अपनी नीच फाइंड करनी पड़ेगी कि मुझे कौन सी चीज़ एक्साइट करती है। जो सी चीज़ एक्साइट करती है फिर उसके बारे में स्टडी करें। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक बंदा कहता है जी मैं गेम डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। अब गेम डेवलपमेंट में आगे ढेर चीज़ें हैं, आप पहले गेम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ें। सही है, मुझे इस गेम डेवलपर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आजकल वैसे भी अगर आप गूगल करते हैं ना, रोड मैप्स आपको मिल जाते हैं, प्रॉपर रोड मैप्स आपको मिल जाते हैं। वो आपको स्टार्टिंग से लेकर बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक बताते हैं कि आप इस तरह करेंगे, ये चीज़ पढ़ाई करेंगे तो आप इस गेम डेवलपर बन सकते हैं। तो ये है कि आप उधर से फॉलो करें, फिर ये है कि वक्त के साथ साथ करते रहो। पर ये है कि आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर एक बार आप फील्ड में आ गए कंप्यूटर साइंस की या सॉफ्टवेयर कोडिंग की फील्ड में आ गए सीधा कहूँगा, तो छोड़ना नहीं है। होता है स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, मुझे भी स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल हुई थी, मेरे लॉजिक्स नहीं बनते थे वगैरह, काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन यह मैंने छोड़ा नहीं, करता रहा। तो अभी यह है कि इधर आ रहा हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा मेरा चल रहा है। तो ये थे जी शहरयार अहमद, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप कि इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।